दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच 6 घंटे तक बातचीत हुई है। बैठक खत्म होने के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। खिलाड़ी चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट फाइनल ये कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो प्रदर्शन वहीं पर ही रुक जाएगा। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि 30 जून तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव भी करवा दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली। में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो।